हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन वीडियो बोर्ड परीक्षा में अपने क्वेश्चन आंसर को लिखते समय कितनी सावधानी से हम अपने शब्दों को लिखें ताकि एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट कर सकें और एग्ज़ामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो सके। मैं आज लॉन्ग क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेकर आप सभी के सामने हूँ। ये एक हैंडराइटिंग, एक ऐसी कॉपी जो यूपी बोर्ड की टॉपर स्टूडेंट्स की है, जिसने 198 मार्क्स ले आया। इस हैंडराइटिंग को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये हैंडराइटिंग किसी भी एग्जामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर कर सकती है। और केवल हैंडराइटिंग ही नहीं बल्कि लेखन शैली और इसमें लिखे हुए सेंटेंसेस और उनमें प्रयोग किए गए ग्रामर के रूल्स, पंक्चुएशंस, एवरीथिंग हैज़ बीन फॉलोड वेरी केयरफुली। और आप ये बात देख सकते हैं कि यदि आप भी इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर होने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं ये क्वेश्चन का एक नमूना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप चाहें तो इसमें लिखे शब्दों की नकल भी कर सकते हैं और इन शब्दों को देख कर आप शब्दों के बीच की दूरी और इनके लेखन शैली को अपने अंदर भी उतार सकते हैं ताकि आपकी भी कॉपी इसी तरह से अट्रैक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में हो सके। ये कक्षा 10 के पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम ए लेटर टू गॉड है, उसी से लिया गया ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लाइंचोस फील्ड। हेल स्टोन्स ओलो ने लेंचो के खेत को कैसे प्रभावित किया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। इसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब बड़े आंसर के रूप में लिखना है। इसकी वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है और लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसमें किसी तरह की फालतू चीज़ को ऐड न किया जाए। और प्लस हैंड राइटिंग तो आपको पता ही है कि आपकी बेहतर होनी ही चाहिए। और दूसरी, इसमें स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल थिंग्स या उनके रूल्स फॉलो अवश्य होने चाहिए। पंक्चुएशंस वगैरह आपको ध्यान देने हैं, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ लगने हैं, इसकी स्पेशल वीडियोज़ जो है बना दी गई है, आप सभी के लिए अपलोड कर दी जा रही है, उसको भी फॉलो करिए। प्लस और भी चीज़ें जो आप में कमी हो ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं इनकी कुछ चीज़ों के माध्यम से आपको प्रेरित कर सकता हूँ, लेकिन आप अपनी कमियों को खुद समझते हैं। आपको अपनी कमियों को खुद ट्रेस आउट करना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए हमारे इन सुझावों का जो है अनुसरण करना चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या कि लेंचो के खेत को हेल स्टोन ने कैसे प्रभावित किया और लेंचो की वो एकमात्र आशा क्या थी। इस दो क्वेश्चन का आंसर एक ही में मिला कर देना है। आंसर में है, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज फील्ड नीडेड वाटर, उसके खेत को पानी की ज़रूरत थी। He did nothing throughout the day but saw the sky to the northeast. वह दिन भर कुछ नहीं किया, केवल उत्तर और पूर्व की दिशा में बादल देखता रहा, आसमान देखता रहा। At the very moment when it rained, फिर उसके बाद जब बारिश हुई, very heavily, बहुत भारी बारिश हुई, लेंचो felt satisfied. लेंचो अपने आप को संतुष्ट महसूस किया। But along with the rain, वर्षा की बूंदों के साथ, The large hailstones began to fall. बड़ी बड़ी वर्षा की ओले, बड़े बड़े ओले गिरने लगे in the fields, खेतों में, and in the whole valley, और उस संपूर्ण घाटी में
जहाँ लेंचो रहता था, विच डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप्स, जिसने पूरी फसल को नष्ट कर दी। इट लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने कुछ छोड़ा नहीं था। सो ही वॉज वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। बट ही हैड ओनली वन होप, लेकिन उसके पास एक आशा थी ऑफ हेल्प, एंड दैट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड। एकमात्र आशा थी उसको, और एकमात्र मदद की आशा थी, और वो थी ईश्वर से मदद। इसका मतलब उस ओलों ने कैसे उसके फसल को नष्ट किया और उसकी आशा क्या थी, ये इस आंसर में प्रदर्शित कर दिया गया है। इसी तरह से और लेखन आंसर लिखते समय आप सभी ने देखा कि इसमें कहीं भी कोई भी शब्द में कट नहीं है, किसी भी तरह से जो है ओवर राइटिंग नहीं की गई है, कुछ स्पेलिंग्स भी कहीं कोई स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है, और शब्दों की दूरी और शब्दों के लेखन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस तरह के यदि आंसर्स आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये आंसर एग्जामिनर को एक बेहतर नंबर देने के लिए मजबूर कर देंगे। एक एग्जामिनर के रूप में मेरे पास भी 20 वर्षों का अनुभव है, और उसी अनुभव को मैं आप सभी के साथ शेयर करके मैं ये प्रयास करना चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह के बेहतरीन हैंडराइटिंग और बेहतरीन प्रदर्शन करके इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप भी बेहतर मार्क्स प्राप्त करें